प्रसार भारती की दो अभिन्न शाखा दूरदर्शन एवं आकाशवाणी अगरतला प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन अगरतला शाखा की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात अनुष्ठान के एक सौवें पर्व के विशेष प्रदर्शनी अनुष्ठान में आपका स्वागत है हमारे बीच मौजूद हैं मुख्य अतिथि के रूप में त्रिपुरा के राज्यपाल माननीय श्री सत्यदेव नारायण आर्य महोदय जी आपका हार्दिक स्वागत है हमारे बीच मौजूद हैं त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह महोदय जी सम्मानित अतिथि के रूप में आपका हार्दिक स्वागत है आज मन की बात कार्यक्रम की विभिन्न कड़ियों में प्रदेश के पद्मश्री प्राप्तकर्ताओं के साथ साथ कुछ विशेष व्यक्तियों का भी अभिनंदन किया जाएगा जिनके योगदान को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा रेखांकित किया गया है मैं श्री वी दिनेश कुमार कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी एवं दूरदर्शन अगरतला से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री सत्यदेव नारायण आर्य महोदय जी का एवं हमारे सम्मानित अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह महोदय जी का पुष्पगुच्छ एवं ऋषा द्वारा पारंपरिक प्रथा से स्वागत करें बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी एवं दूरदर्शन अगरतला से अनुरोध करती हूं अपना वक्तव्य रखें कॉनरबल गवर्नर ऑफ त्रिपुरा श्री सत्यदेव नारायण आर्य कॉनरबल चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा प्रोफेसर डॉक्टर माणिक सागर कॉनरबल कैबिनेट मिनिस्टर्स कॉनरबल डिप्टी स्पीकर Honorable Chief Secretary of Tripura and other dignitaries. A very good morning to all. I would like to invite everyone on behalf of Prasar Bhardi, Doordarshan, Agashwani, Press Information Bureau, and our sister in organizations. I welcome you today a special broadcast of the 100th episode of Manki Path. The program Manki Path by our Honorable Prime Minister. Sri Narendra Modi was first broadcasted on 3rd October 2013 and has continued ever since. It is broadcasted in Agaswani and Durushan at 11 a.m. on the last Sunday of every month all over India in more than 500 stations. It is also translated into every regional language and in many local dialects. In Tripura, it can be heard in both bengali and kokborok dialects today this special broadcast is being held at rajbhavan of every state in the country to celebrate this special hundredth episode there is a famous saying that smile is the universal welcome i once again welcome everyone wholeheartedly to this special occasion Great Thank you मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी भारत की श्रेष्ठ जिम्नास्ट पद्मश्री दीपा कर्मकार जी को एवं माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आकर पद्मश्री दीपा कर्मकार जी को पुष्पगुच्छ एवं शॉल से सम्मानित करें बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं आ, प्रसार भारती द्वारा सम्मानित किया जाएगा पद्मश्री बिक्रम बहादुर जमातिया जी को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध करूँगी कि वे पुष्पगुच्छ एवं शॉल द्वारा त्रिपुरा के विशिष्ट सेवी पद्मश्री बिक्रम बहादुर जमातिया जी को सम्मानित करें हम एक ऐतिहासिक क्षण में आ पहुंचे हैं हम देखने जा रहे हैं मन की बात अनुष्ठान के एक पर्व को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रदत्त आप देख रहे हैं डीडी नेशनल नए भारत का नया दूरदर्शन देशवासियों नमस्कार आज मन की बात का सोवा एपिसोड है मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं देख पाऊं संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ भावनाओं से भर गया भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया आपने मुझे मन की बात के सौवे एपिसोड पर बधाई दी है लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता है हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटी कोटि भारतीयों के मन की बात है उनकी भावनाओं का प्रगटीकरण है साथियों तीन अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है जिसका इंतजार हम सभी को होता है हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए हर एपिसोड अपने आप में खास रहा हर बार नए उदाहरणों की नवीनता हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े हर आयु वर्ग के लोग जुड़े बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो स्वच्छ भारत आंदोलन हो खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी साथियों मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है मेरे एक मार्गदर्शक थे श्री लक्ष्मण राव जी इनामदार। हम उनको वकील साहब कहा करते थे वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए सामने कोई भी हो आपके साथ का हो आपका विरोधी हो हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है मेरे प्यारे देशवासियों इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहां का जीवन तो बहुत ही अलग है काम का स्वरूप अलग दायित्व अलग स्थितियां परिस्थितियों के बंधन सुरक्षा का तामझाम समय की सीमा शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था खाली खाली सा महसूस करता था पचासों साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा जो देशवासी मेरा सब कुछ है मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया सामान्य मानवीय से जुड़ने का रास्ता दिया पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव कोटि कोटि जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया हर महीने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूं हर महीने में देशवासियों के एक से एक अद्भुत स्वरूप के दर्शन करता हूँ मैं देशवासियों का त्याग की पराकाष्ठा को देखता हूं महसूस करता हूं मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे थोड़ा भी दूर हूं मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है मेरे लिए एक आस्था पूजा व्रत है जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है मन की बात अहम से वयम की यात्रा है यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है आप कल्पना करिए मेरा कोई देशवासी चालीस चालीस साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीन पर पेड लगा रहा है कितने ही लोग तीस तीस साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं उसकी साफ सफाई कर रहे हैं कोई पच्चीस तीस साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है कितनी ही बार मन की बात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूं आकाशवाणी के साथियों को कितनी ही बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है आज पिछला कितना ही कुछ आंखों के सामने आए जा रहा है देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है साथियों मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं वे सब हमारे हीरोज हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है आज जब हम सौवे एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जानें। आज हम कुछ साथियों से बात भी करने की कोशिश करेंगे मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के भाई सुनील जगलांजी सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया देखते ही देखते सेल्फी विथ डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी टेक्नोलॉजी नहीं थी इसमें डॉटर को बेटी को प्रमुखता दी गई थी जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं नमस्कार सुनील जी नमस्कार सर मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर सुनील जी सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है प्रधानमंत्री जी ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने के वालों के लिए बहुत बड़ी बात है सुनील जी अब आपकी बेटिया कैसी है आजकल क्या कर रही है जी मेरी बेटिया नंदनी और याचिका है एक सेवेंथ क्लास में पढ़ रही है एक फोर्थ क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी प्रशंसक है आपकी उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपनी क्लासमेट्स जो हैं लेटर भी लिखवाए थे असल में वाह 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 वा। <laughs> अच्छा बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी वजह से देश की बेटिया के चेहरे पे लगातार मुस्कान बढ़ रही है बहुत-बहुत धन्यवाद सुनील जी जी शुक्रिया साथियों मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरणादायी गाथाओं का जिक्र किया है चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो मैंने जब भी महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की है उसकी खूब प्रशंसा हुई है जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देवूर गांव की महिलाओं की चर्चा की थी ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। ऐसे ही तमिलनाडु की वो आदिवासी महिलाएं जिन्होंने हजारों इको फ्रेंडली टेराकोटा कप्स निर्यात किए उनसे भी देश ने खूब प्रेरणा ली तमिलनाडु में ही बीस हजार महिलाओं ने साथ आकर बेल्लोर में नाग नदी को पुनर्जीवित किया था ऐसे कितने ही अभियानों को हमारी नारी शक्ति ने नेतृत्व दिया है और मन की बात उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना है साथियों अब हमारे साथ फोन लाइन पर एक और सज्जन मौजूद है इनका नाम है मंजूर अहमद मन की बात में जम्मू कश्मीर की पेंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर अहमद जी का जिक्र हुआ था मंजूर जी कैसे हैं आप थैंक यू सर बड़े अच्छे से हैं सर मन की बात के इस सौवे एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू सर अच्छा ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है बहुत अच्छे से कर रहे है सर बहुत अच्छे से जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर तब से बहुत काम बढ़ गया सर और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बढ़ा है इस काम में कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा अभी मेरे पास 200 प्लस है अरे वाह <laughs> मुझे बहुत खुशी हुई जी सर जी सर अभी एक दो महीने में अभी मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ की और दो लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर वाह 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 देखिए मंजूर जी जी सर मुझे बराबर याद है और उस दिन आपने मुझे कहा था कि एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है न स्वयं की पहचान है और आपको बड़ी पीड़ा भी थी और इस वजह से आपको काफी बड़ी मुश्किलें होती थी वो भी आप कह रहे थे लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं जी सर जी सर और नया एक्सपांशन करके और 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं ये तो बहुत खुशी की खबर दी आपने एवं सर यहाँ पे जो फार्मर है सर उनका भी बहुत बड़ा इसमें फायदा मिला सर तब से दो हजार का ट्री बेचते थे अभी वही ट्री पांच हजार तक पहुंच गया सर इतनी डिमांड बढ़ गई सर इसमें तब से और अपनी पहचान भी बन गई इसमें बहुत से ऑर्डर है अपने पास सर अभी में आगे एक दो महीने में और एक्सपेंड करके और दो ढाई सौ दो चार गांव में जितने भी लड़के लड़के हैं इसमें एडजस्ट हो सकता है उनका भी रोजी रोटी चल सकता है सर देखिए मंजूर जी वोकल फॉर लोकल की ताकत कितनी जबरदस्त है आपने धरती पर उतार के दिखा दिया है जी सर जी सर मेरी तरफ से आपको और गांव के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे हैं सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद भैया धन्यवाद सर साथियों हमारे देश में ऐसे कितने ही प्रतिभाशाली लोग हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते ही सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं मुझे याद है विशाखापट्टनम के वेंकट मुरली प्रसाद जी ने एक आत्मनिर्भर भारत चार्ट शेयर किया था उन्होंने बताया था कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करेंगे जब बेतिया के प्रमोद जी ने एलईडी बल्ब बनाने की छोटी यूनिट लगाई या गट मुक्तेश्वर के संतोष जी ने मैट्स बनाने का काम किया मन की बात ही उनके उत्पादों को सबके सामने लाने का माध्यम बना हमने मेक इन इंडिया के अनेक उदाहरणों से लेकर स्पेस स्टार्टअप तक की चर्चा मन की बात में की है साथियों आपको याद होगा कुछ एपिसोड पहले मैंने मणिपुर की बहन विजय शांति देवी जी का भी जिक्र किया था विजय शांति जी कमल के रेशों से कपड़े बनाती हैं मन की बात में उनके इस अनोखे इको फ्रेंडली आइडिया की बात हुई तो उनका काम और पॉपुलर हो गया आज विजय शांति जी फोन पर हमारे साथ हैं नमस्ते विजय शांति जी हाउ आर यू सर आई एम फाइन एंड हाउ यू योर वर्क गोइंग ऑन सर स्टिल वर्किंग अलोंग विद माय वुमेन्स इन सच शॉर्ट पीरियड यू हैव रीच थर्टी परसेंट टीम सर This year also more expand with hundred women in my area. So your target is hundred women? Yeah, hundred women. And now people are familiar with this lotus stem fiber? Yes, sir. Everyone knows from Monkey Baat program all over India. So now it's very popular? Yes, yeah, sir. From Prime Minister Baat program. Everyone knows about the lotus fiber. So now you got the market also? Yes sir I have got a market from the USA also they want to buy in bulk in large quantities but I want to give from this year to send the US also So now you are exporter Yes sir from this year I export our product made in India lot of fiber So when I say vocal for local and now local for global यस सर, आई वांट टू रीड माय प्रोडक्ट ऑल ओवर ऑफ सो ंग्रेचुलेशन एंड विश यू बेस्ट लक थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू विजय शांति थैंक यू सर साथियों मन की बात की एक और विशेषता रही है मन की बात के जरिए कितने ही जन आंदोलन ने जन्म भी लिया है और गति भी पकड़ी है जैसे हमारे खिलौने हमारी टॉय इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने का मिशन मन की बात से ही तो शुरू हुआ था भारतीय नस्ल के स्वान हमारे देशी डॉग्स उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की शुरुआत भी तो मन की बात से ही की थी हमने एक और मुहिम शुरू की थी कि हम गरीब छोटे दुकानदारों से मोलभाव नहीं करेंगे झगड़ा नहीं करेंगे जब हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई तब भी मन की बात ने देशवासियों को इस संकल्प से जोड़ने में खूब भूमिका निभाई ऐसे हर उदाहरण समाज में बदलाव का कारण बने हैं समाज को प्रेरित करने का ऐसे ही बिड़ा प्रदीप सांगवान जी ने भी उठा रखा है मन की बात में हमने प्रदीप सांगवान जी की हिलिंग हिमालय अभियान की चर्चा की थी वो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं प्रदीप जी नमस्कार सर जय हिंद जय हिंद जय हिंद भैया कैसे हैं आप सर बहुत बढ़िया आपकी आवाज सुनकर और भी अच्छी आपने हिमालय को हील करने को सोची हाँ जी सर अभियान भी चलाया आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है सर बहुत अच्छा चल रहा है 2020 से ऐसा मानिए की जितना काम हम पांच साल में करते थे अब वो एक साल में ही हो जाता है अरे वाह हाँ जी हाँ जी सर शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी बहुत डर था इस बात को लेके कि जिंदगी भर ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे ऑनेस्टली लोग बहुत कम जुड़ रहे थे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे हमारी मुहिम को इतना भी नहीं दे रहे थे बट 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई मतलब पहले हम साल में छह सात क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे दस क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे आज की डेट में हम डेली बेसिस पे पांच टन कचरा इकट्ठा कर करते हैं अलग अलग लोकेशन से अरे मन की बात में जिक्र होने के बाद आप सर बिलीव करें मेरी बात को कि मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने की स्टेज पे था एक टाइम पे और उसके बाद फिर बहुत सारा बदलाव आया मेरे जीवन में और चीजें इतनी स्पीड अप हो गई कि जो चीजें हमने सोची नहीं थी सो आई एम रियली थैंकफुल कि पता नहीं कैसे हमारे जैसे लोगों को आप ढूंढ लेते हैं कौन इतनी दूर दराज एरिया में काम करता है हिमालय के क्षेत्र में जाके बैठ के हम काम कर रहे हैं सोल्टीट्यूड पे काम कर रहे हैं वहां पे आपने ढूंढा हमें हमारे काम को दुनिया के सामने लेके आए तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था तब भी और आज भी कि मैं हमारे देश के जो प्रथम सेवक हैं उनसे मैं बातचीत कर पा रहा हूँ प्रदीप जी आप तो हिमालय की सच्चे अर्थ में साधना कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है अब आपका नाम सुनते ही लोगों को याद आ जाता है कि आप कैसे पहाड़ों की स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं जी सर और जैसा आपने बताया कि अब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं हाँ जी सर और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इन प्रयासों से उसकी चर्चा से अब तो कितने ही पर्वतारोही स्वच्छता से जुड़े फोटो पोस्ट करने लगे हैं हां जी सर बहुत नहीं अच्छी बात है आप जैसे साथियों के प्रयास के कारण वेस्ट इज ऑल्सो ए वेल्थ ये लोगों के दिमाग में अब स्थिर हो रहा है और पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है और हिमालय का जो हमारा गर्व है उसको संभालना संवारना वो तो सामान्य मानवी जुड़ रहा है प्रदीप जी बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत बहुत धन्यवाद भैया थैंक यू सर थैंक यू सो मच जय हिंद साथियों आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है हमारे ये प्राकृतिक संसाधन हो नदियां पहाड़ तालाब या फिर हमारे तीर्थ स्थल हो उन्हें साफ रखना बहुत जरूरी है ये टूरिज्म इंडस्ट्री की बहुत मदद करेगा पर्यटन में स्वच्छता के साथ साथ हमने इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी कई बार चर्चा की है इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपास ही थे मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम पंद्रह टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचिन सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे गंभीर विषयों पर भी लगातार बात की है आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस इशू को लेकर इतना परेशान है उसके समाधान में मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है साथियों मन की बात को लेकर मुझे इस बार एक और खास संदेश यूनेस्को की डीजी जी ऑदरे का आया है उन्होंने सभी देशवासियों को 100 एपिसोड के इस शानदार जर्नी के लिए शुभकामनाएं दी है साथ ही उन्होंने Namaste, Excellency, dear Prime Minister. On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Kibat radio broadcast. UNESCO and India have a long, common history. We have very strong partnerships together in all areas. Of our mandate education, science, culture, and information. And I would like to take this opportunity today to talk about the importance of education. UNESCO is working with its member states to ensure that everyone in the world has access to quality education by 2030. With the largest population in the world, could you please explain the Indian way to achieving this objective? UNESCO also works to support culture and protect heritage. And India is chairing the G20 this year. World leaders will be coming to Delhi for this event. Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda? I once again thank you for this opportunity and convey my very best wishes through you to the people of India. À bientôt. Merci beaucoup. थैंक यू एक्सलेंसी आई एम हैप्पी टू इंटरेक्ट विथ यू इन द हंड्रेड मन की बात प्रोग्राम आई एम ऑल्सो हैप्पी दैट यू हैव रेज द इम्पोर्टेंट इश्यूज ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर साथियों यूनेस्को की डी जी ने एजुकेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन यानी शिक्षा और संस्कृति संरक्षण को लेकर भारत के प्रयासों के बारे में जानना चाह है ये दोनों ही विषय मन की बात के पसंदीदा विषय रहे हैं बात शिक्षा की हो या संस्कृति की उसके संरक्षण की बात हो या संवर्धन की भारत की यह प्राचीन परंपरा रही है इस दिशा में आज देश जो काम कर रहा है वो वाकई बहुत सराहनीय है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का विकल्प हो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो आपके ऐसे अनेक प्रयास देखने को मिलेंगे वर्षों पहले गुजरात में बेहतर शिक्षा देने और ड्रॉप आउट रेट्स को कम करने के लिए गुणोत्सव और शाला प्रवेश उत्सव जैसे कार्यक्रम जन भागीदारी के एक अद्भुत मिसाल बन गए थे मन की बात में हमने ऐसे कितने ही लोगों के प्रयासों को Highlight किया है जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं आपको याद होगा एक बार हमने ओडिशा में ठेले पर चाय बेचने वाले स्वर्गीय डी प्रकाश राव जी के बारे में चर्चा की थी जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए थे झारखंड के गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप जी हो कोविड के दौरान ई लर्निंग के जरिए कई बच्चों की मदद करने वाली हेमलता एनकेजी हो ऐसे अनेक शिक्षकों के उदाहरण हमने मन की बात में लिए हैं हमने कल्चरल प्रिजर्वेशन के प्रयासों को भी मन की बात में लगातार जगह दी है लक्षद्वीप का कुम्मेल ब्रदर्स चैलेंजर्स क्लब हो या कर्नाटका के क्वेम श्री जी कला चेतना जैसे मंच हो देश के कोने कोने से लोगों ने मुझे चिट्ठी लेकर ऐसे उदाहरण भेजे हमने उन तीन कॉम्पिटिशन्स को लेकर भी बात की थी जो देशभक्ति पर गीत लोरी और रंगोली से जुड़े थे आपको ध्यान होगा एक बार हमने देशभर के स्टोरी टेलर्स से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से शिक्षा की भारतीय विधाओं पर चर्चा की थी मेरा अटूट विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से बड़े से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है इस साल हम जहां आजादी के अमृतकाल में आगे बढ़ रहे हैं वहीं जी ट्वेंटी की अध्यक्षता भी कर रहे हैं यह भी एक वजह है कि एजुकेशन के साथ साथ डायवर्स ग्लोबल कल्चर्स को समृद्ध करने के लिए हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है मेरे प्यारे देशवासियों हमारे उपनिषदों का एक मंत्र सदियों से हमारे मानस को प्रेरणा देता आया है चरई वेती चरई वेती चरई वेती चलते रहो चलते रहो चलते रहो आज हम इसी चरई वेती चरह वेती की भावना के साथ मन की बात का सोवा एपिसोड पूरा कर रहे हैं भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने में मन की बात किसी भी माला के धागे की तरह है जो हर मन के को जोड़े रखता है हर एपिसोड में देशवासियों के सेवा और सामर्थ्य ने दूसरों को प्रेरणा दी है इस कार्यक्रम में हर देशवासी दूसरे देशवासी की प्रेरणा बनता है एक तरह से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड के लिए जमीन तैयार करता है मन की बात हमेशा सद्भावना सेवा भावना और कर्तव्य भावना से ही आगे बढ़ा है आजादी के अमृत काल में यही पॉजिटिविटी देश को आगे ले जाएगी नई ऊंचाई पर ले जाएगी और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुआत हुई वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं साथियों मैं आज आकाशवाणी के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा जो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांसलेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं मैं उनका भी आभारी हूं मैं दूरदर्शन के और माय गॉव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं, देश भर के टीवी चैनल्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कॉमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आखिरी में मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा जो मन की बात की कमान संभाले हुए हैं भारत के लोग भारत में आस्था रखने वाले लोग ये सब कुछ आपकी प्रेरणा और ताकत से ही संभव हो पाया है साथियों वैसे तो मेरे मन में आज इतना कुछ कहने को है कि समय और शब्द दोनों कम पड़ रहे हैं लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे भावों को समझेंगे मेरी भावनाओं को समझेंगे आपके परिवार के ही एक सदस्य के रूप में मन की बात के सहारे आपके बीच में रहा हूं आपके बीच में रहूंगा अगले महीने हम एक बार फिर मिलेंगे फिर से नए विषयों और नई जानकारियों के साथ देशवासियों की सफलताओं को सेलिब्रेट करेंगे तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार काशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रधानमंत्री जी के मन की बात के सौवे एपिसोड के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात आठ बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर आप देख रहे हैं डीडी नेशनल नए ने भारत का नया दूरदर्शन बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका प्रसार भारती की तरफ से त्रिपुरा के कुछ विशेष व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा जिनकी उपलब्धियों का जिक्र मन की बात के विभिन्न पर्व में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से पुनः अनुरोध करूँगी कि वे मंच पर आए एवं पुष्पगुच्छ और शाल द्वारा सम्मान करें हमारे विशेष अतिथियों में से एक जिन पर मैं जिनको मैं अभी मंच पर बुलाने जा रही हूँ श्री गौतम दास जी को जून 2020 में मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना महामारी के दौरान अगरतला साधु टीला के एक ऑटो रिक्शा चालक की प्रशंसा की जिन्होंने ठेला चलाकर अपनी कमाई से बचत कर इलाके के ज़रूरतमंदों को चावल दाल बाँटा इस महत्व कार्य के लिए उनको धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी श्री बिक्रमजीत चाकमा जी को जिनका सम्मान करने के लिए पुनः अनुरोध करूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के पेचारथल के सेब उत्पादक श्री बिक्रमजीत चाकमा की सफलता पर प्रकाश डाला है उनकी तीन एकड़ की खेत देखने राज्य भर से लोग आते हैं और उनसे प्रोत्साहित भी हो रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी श्री नारायण दास जी को जिन्हें जैव ग्राम से काफ़ी लाभ पहुँचा है त्रिपुरा भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ देश का पहला संशोधित जैव ग्राम है त्रिपुरा सरकार ने कुल 100 ऐसे बायो विलेज स्थापित करने का लक्ष्य बनाया है जिनमें से 12 बायो विलेज अब तक बनाए जा चुके हैं मैं मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगी श्री नारायण दास जी को पुष्पगुच्छ एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित करें बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी श्रीमती बुद्ध रानी जी को जिन्हें जैव ग्राम से काफ़ी फायदा पहुँचा है त्रिपुरा के जैव ग्रामों को प्रकृति आधारित जीवन शैली और आजीविका में बदल दिया गया है और रासायनिक फर्टिलाइज़र के प्रयोग को कम कर दिया गया है मैं मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध करना चाहूँगी कि वे उन्हें सम्मानित करें बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी श्री शिमूल दास जी को जिन्हें जैव ग्राम का लाभ पहुँचा है वे कहते हैं कि उन्हें प्रकाश पंखा मशरूम बतख मुर्गी मछली एवं मछली खाना आदि मिले हैं साथ ही सोलर पंप के लिए अब एक खेत में दो फसलें उगाई जा रही हैं बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री सुशेन राय जी को उन्हें भी जैव ग्राम से काफी लाभ पहुंचा है माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगी कि वे उन्हें पुष्प गुच्छ एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित करें बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री प्रोजेंद्र दत्त जी को उन्हें भी जैव ग्राम यानी बायो विलेज से काफी फायदा पहुंचा है एवं उन्हें सम्मानित करने के लिए मंच पर मौजूद हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी उन्होंने अपने कर कमलों से विशेष अतिथियों के रूप में पधारे व्यक्तियों को सम्मानित किया अब मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि वे दो बात रखें इस कार्यक्रम के विषय में সবাইকে নমস্কার শুভ সকাল আজকের এই যে স্পেশাল স্ক্রিনিং অফ হান্ড্রেড এপিসোড অফ মন কি বাত আমাদের আদরণীয় প্রধানমন্ত্রীজি নরেন্দ্র মোদীজি একটু আগে উনি সবার সামনে সারা ভারতবর্ষের সমস্ত প্রতিটি ব্যক্তির কাছে উনি যেভাবে বললেন সত্যি অতুলনীয় তো আজকের এই হান্ড্রেড এপিসোড অফ মন কি বাতে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের অনারেবল গভর্নর স্যার এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ ডেপুটি স্পিকার মহোদয় চিফ সেক্রেটারি মহোদয় এবং অন্যান্য আধিকারিকরা সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমরা এই মন বাদ বাত প্রতি মাসের যে লাস্ট সানডে তার জন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকি আমি সবসময় বলি যে এটা অনেকটা আমাদের যে নব্বই দশকে আমরা বসে থাকতাম রামায়ণ মহাভারতের এপিসোডের সময় তো ঠিক এই রকম এই এপিসোডের জন্য আমরা বসে থাকি এখন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে তথা সারা পৃথিবীর মধ্যে যারা ভারতবাসীরা আছেন প্রধানমন্ত্রীর যে মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনার জন্য সবাই বসে থাকেন আজকের এই যে একশো তম ওনার এপিসোড আমরা সবাই অধীর আগ্রহে বসেছিলাম ওনার শুনবার জন্য আমাদের ত্রিপুরাতে প্রায় পনেরোশো পনেরোটি জায়গায় মরাললেস এই মন কি বাতের অনুষ্ঠান আজকে হয়ে শুনেছেন সবাই এবং সত্যিই এটা একটা অপূর্ব বিষয় এবং প্রধানমন্ত্রীজি এখানে একটা নন পলিটিক্যালিও যে একটা বিষয় থাকতে পারে কোনো জায়গায় এতগুলো এপিসোড হল কোনো জায়গায় কিন্তু রাজনৈতিক কোনো বিষয় নাই সবকটাই সাধারণ মানুষের কথা মানুষের মানে অভিনব যে প্রচেষ্টা ইনোভেটিভ আইডিয়া সেইগুলো সেই কথাগুলোই সমস্ত মানুষের কাছে উনি তুলে ধরেছেন অনেক কিছুই আমরা জানতাম না আমাদের দেখলেন আপনাদের ত্রিপুরার বিভিন্ন বিষয়ে উনি বিভিন্ন এপিসোডে এই কথাগুলো বলেছেন এবং এমন কোনো বিষয় নাই যে বিষয়গুলো উনি টাচ করেননি ওনার কাছে সব ইনফরমেশান সেগুলো ওনার যে যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতি অনুসারে সেইগুলো উনি কালেক্ট করেন এবং সেগুলো আমাদের কাছে সেগুলো আমাদের সামনে রাখেন কোনো কিছুই বানিয়ে নয় ওনার নিজের মতো করে বানাননি যে যা হচ্ছে সেগুলোই যেটা ত্রিপুরাতে হচ্ছে আজকে মধ্যপ্রদেশে জানেন না সেটা মধ্যপ্রদেশের লোক জানছে সারা ভারতবর্ষের লোক জানছেন আমরা এখানে বসে আমরা কিন্তু জানি না মধ্যপ্রদেশে বা হরিয়ানায় কি হচ্ছে সেইগুলোই উনি কুড়িয়ে এনে আমাদের সামনে রাখছেন এবং সারা মানে ভারতবর্ষকে আমাদের কাছে একটা যেভাবে উনি আমাদের প্রেজেন্ট করেন সত্যি এক এক সময় অবাক হই যে এটাও একটা কি করে সম্ভব ওনার এই যে মন কি বাত যে অনুষ্ঠান ওনার যে ওনার ব্রেন ওনার মাথার থেকে মস্তিষ্ক প্রসূত যেটা এলো উনি একটু আগে এখানে বলছিলেন যে যখন উনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সমস্ত মানুষের ঘরে ঘরে যাওয়ার তখনও সুযোগ ছিল প্রতিটা ঘরে যেত মানুষের সাথে সম্পর্ক তবেই তো জনপ্রতিনিধি কিন্তু যখন দিল্লির দু হাজার চোদ্দোতে উনি আসলেন আসার পর উনি দেখলেন যে অনেকটা দূরত্ব সেখানকার অবস্থা ওখানকার যে ব্যবস্থাপনা সেটা অনেক অনেকাংশে অন্যরকম যেটা গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন উনি দেখেছেন তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে উনি তখন যে আসলো মনের ভিতর আসলো যে আমি তো অনেক দূর হয়ে যাচ্ছি মানুষ থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি তো এই যে মন কি বাতের মাধ্যমে উনি কিন্তু মানুষের সাথে আবার যুক্ত হলেন এবং আমার মনে হয় এই মন মন কি বাতের মাধ্যমে উনি যেভাবে মানুষের সাথে যুক্ত হয়েছেন সেটা মানে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনও সেটা সম্ভব হয়নি তো সেটার মধ্যে একটা মিউজিক আমরা ফিল করছি উনিও ফিল করছেন যে সত্যি আমি মানুষের সাথে আমরা সারা ভারতবর্ষে সূত্রে আমরা এখন গেতে আছি এবং আমাদেরকে নিয়েই উনি বাঁচতে চান তো এটা একটা অপূর্ব বিষয় সারা পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই কোনো রাষ্ট্রপ্রধান এইভাবে মন কি বাত অনুষ্ঠান কোথাও করছেন কি আমার জানা নেই তবে ওনাকে দেখে আজকে সারা পৃথিবী ওনাকে একদম সর্বশ্রেষ্ঠ একজন লিডার হিসাবে সবাই মানছেন এখন এবং এই ধরনের ইনোভেটিভ যে আইডিয়া হয়তোবা অন্য যেসব কান্ট্রি সেখানেও হয়তোবা এইভাবে একটা চেষ্টা বা প্রচেষ্টা করবে আমরা সবাই জানি যে জি টোয়েন্টির যে বিষয় এবার প্রেসিডেন্সি ভারত পেল এবং অপূর্ব সমস্ত প্রদেশে যেভাবে জি টোয়েন্টির আমাদের সেপ্টেম্বরে তার শেষ পর্যায়ে আসবে সেখানে সমস্ত জায়গায় আমাদের তো জি টোয়েন্টির যে এস টোয়েন্টি সেটা হয়েছিল সেখানে সেখান থেকেও বিভিন্ন জিনিস ওরা এবং দেবের আস যে আমাদের ত্রিপুরাতে যেভাবে ওনারা দেখলেন বিভিন্ন জায়গাগুলোও দেখলেন আমাদের ট্যুরিজমের যে স্পটগুলো সেগুলো দেখলেন কনক্লেভ হলো এবং এখানে কি কি এখানে করা যায় সেই বিষয়গুলো ওরা জানলেন এবং সেইগুলো আলটিমেটলি সমস্ত প্রদেশ থেকেই নিচ্ছেন তো সেইভাবে প্রেসিডেন্সির যে আসল যে যে ইচ্ছাটা সেটা কিন্তু উনি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সেটা কিন্তু উনি এস্টাবলিশ করেছেন তো আজকের এই একশোতম যে মন কি বাত অনুষ্ঠান সত্যি আমাদের কাছে ভালো লাগলো এখানে উপস্থিত যারা যারা আছেন এখানে আমাদের মহামহিম রাজ্যপাল থেকে শুরু করে সব এখানে যারাই উপস্থিত আছেন সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার এই দু চারটা কথা আপনাদের সামনে রাখলাম নমস্কার জয় হিন্দ बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अब हम कार्यक्रम के समापन की तरफ आ चुके हैं मैं श्रीमती अल्पना दास महोदया दूरदर्शन अगरतला से अनुरोध करती हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए आज के ऐतिहासिक अनुष्ठान तथा तो मन की बात एक सौतम विशेष प्रदर्शन अनुष्ठान दूरदर्शन त्रिपुरार पक्ष प्रथम राज्य মহামান্য রাজ্যপাল শ্রী সত্যদেব নারায়ণ আর্য মহোদয় রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মহোদয় রাজ্য মন্ত্রিসভার মাননীয় মন্ত্রীগণ দেশের পদ্ম পুরস্কার প্রাপ্ত মহোদয় মহোদয়াগণ রাজ্যের মাননীয় মুখ্য সচিব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মাননীয় সিনিয়র অফিসিয়ালস মন বাতে প্রধানমন্ত্রী যাদের নাম উল্লেখ করেছেন সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আপনাদের মূল্যবান উপস্থিতির জন্য পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যমের মনে মাননীয় এডিটর এবং সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদের রাজভবনের কর্মী আরক্ষ প্রশাসনের কর্মী ব্যান্ডের কর্মীদের আমার ধন্যবাদ জানাই এছাড়াও এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তারা প্রত্যেকেই আমার কৃতজ্ঞতা জানবেন ধন্যবাদ নমস্কার এই মন কি বাতের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এবং মিজোরাম থেকে ত্রিপুরা এই যে আমাদের ভারতবর্ষের বিস্তৃতি কচ্ছ পর্যন্ত একটা রাজ্য আরেকটা রাজ্যকে জানতে পাচ্ছে রাজ্যের মানুষ সম্পর্কে আমরা জানতে পারছি তাদের কালচার তাদের ট্রেডিশন তাদের খাদ্যাভ্যাস তাদের ট্যুরিজম প্রত্যেকটা কিছু নিয়ে আমরা জানতে পাচ্ছি। আমাদের দেশের টুরিজম আমরা বরাবরই বলে থাকি যে বেকারত্ব একটা ইন্টারন্যাশনাল প্রবলেম মানুষকে যদি রোজগার দিতে হয় তবে ট্যুরিজম একটা অল্টারনেটিভ ওয়ে হিসাবে ভাইবেল অল্টারনেটিভ হিসাবে আমরা ধরে নিতে পারি এবং সেটাকে আমরা যদি প্রমোট করি প্রত্যেকটা রাজ্যে তবে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ট্যুরিজম নিতে পারে এবং প্রধানমন্ত্রীও সেই জায়গাটাই গুরুত্ব দিতে চাইছেন আজকে উনি মন কি বাতের একশোতম এপিসোডে বলেছেন যে পর্যটন বা ট্যুরিজম এই মন কি বাতের মাধ্যমে কিভাবে উপকৃত হচ্ছে আমাদের রাজ্য সরকারও ট্যুরিজমকে নিয়ে আমরা যথেষ্টভাবে আন্তরিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আপনার স্বদেশ দর্শন স্কিম প্রসাদ স্কিম আমাদের শত শত কোটি টাকা প্রদান করা হচ্ছে আগামী দিনেও প্রচুর অর্থ আসছে তা আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষের ট্যুরিজম যে ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া আমাদের দেশের ট্যুরিজম দপ্তর থেকে সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে মোদীজি বলেছেন যে অন্তত একটা ব্যক্তিকে নিজের দেশ রাজ্যের নয় দেশের পনেরোটা ট্যুরিস্ট স্থানে যাওয়া দরকার জানার জন্যে তো আমাদের রাজ্য এমন অনেক জায়গা রয়েছে যেগুলো আনএক্সপ্লোর্ড সেগুলোকে খুঁজে বের করে নতুন নতুন ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন কিভাবে তৈরি করা যায় সেদিকে আমাদের রাজ্য সরকার কাজ করবো আপনারা জানেন সামনে বাজেট স্টেশন আসছে অ্যাসেম্বলিতে বি তাতে আমরা আরও নতুন করে স্কিম ঘোষণা করব। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলে ত্রিপুরা রাজ্যকেও একটা আইডিয়াল ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন হিসেবে কীভাবে আত্মপ্রকাশ করানো যায় সেদিকে আমাদের নজর রয়েছে আমাদের দেশের সরকার আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের রাজ্য সরকার প্রত্যেকে আমরা সে দিশায় কাজ করছি এবং আপনারা দেখেছেন যে আট বছর আগে দশ বছর আগে ট্যুরিজম যে জায়গায় ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে সেটা অনেক উন্নতি ঘটেছে আমাদের প্রায় গত অর্থ বছরে পাঁচ কোটি টাকা রেভিনিউ এসছে ট্যুরিজমে আমাদের বিদেশ থেকে রাজ্যের দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্যুরিস্টরা এখানে আসছেন ট্যুরিস্ট যেতে ফুড ফলিং সেগুলো অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে আগামী দিনে সেটা আরও অনেক বৃদ্ধি পাবে ধন্যবাদ सच में बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हंड्रेड एपिसोड ऑफ मन की बात जो जैसे आ, देखा आ, इतने सारे की एक जगह में बैठ के पूरे देश की हमें पता चल रहा है कहाँ पर कौन ज़्यादा कुछ यूनिक चीज़ कर रहे जिस जिस कारण हमारी पूरे देश में जो यंग जनरेशन है उनको कितने ज़्यादा मोटिवेट मिलते हैं उस चीज़ को देख के तो सच में मैं जो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और एज ए इंडियन मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि हमारी जो पी मोदी जी है जो इतना ज़्यादा हमारे देश को आगे लेके जाने के लिए उनका सोच है सोच को देख के मैं बहुत बहुत ज़्यादा अपलुत हुई और मुझे ऐसे लगते इस मन की बात से बहुत लोग बहुत ज़्यादा इंस्प्रेशन होंगे और आगे हमारे देश को बहुत आगे ले जाएंगे दिल्ली में जब हम गए थे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे क्योंकि इसमें ऑल ओवर कंट्री से जितने भी मन की बात में हमसे भी बेहतर जो हमसे भी बेहतर है हमारे जैसे है बहुत सारे लोग हैं जो इनोवेटिव आइडिया लेके काम किया पूरे फील्ड में सोशल वर्क ह्यूमनिटेरियन इशूज़ लेके बहुत सारे अच्छे अच्छे इशूज़ लेके काम किया तो वहाँ पे जाके सीखने को मिला कि सिर्फ ऐसे ऐसे फील्ड में नहीं बहुत सारे फील्ड है जिसमें आप काम कर सकते हो जिसको आप अपने सोसाइटी के पास रख सकते हो बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ उसमें जाके तो मैं आने वाले फिर के लिए यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी दुनिया को जान सकते हैं मोबाइल में भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं जैसे कि एक छोटा सा गांव में अदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सारा काम है इंटरनेशनल इशूज़ है बहुत सारे कामों के बीच ये छोटे से गांव में एक छोटा सा खेती को लेकर कौन क्या कर रहा है उस चीज़ों पे ध्यान रखते हुए किस तरह से वो उन्होंने हम हम जैसे लोगों को डायरेक्ट फिचार तल से लेकर दिल्ली तक तो पहुंचाया ये एक इंस्पिरेशन है और ये इंस्पिरेशन देता है हम लोगों को कि और भी अच्छा काम करे और भी আচ্ছা মুকাম পে পচে তো মে ইংস্টার এই মেসেজ দেনা চাহা কি আপ মুঝে কিউ ফলো করেন মুে ফলো করি জরুরত নেই হয় বেহতর কাম আপ করসতে হুসে করকে আপ মুঝসি জায়গা ভরে জায়গা পে পতে মিহি বল হ্যাঁ প্রধান এখানে আসার পর আমার ভালোই লাগলো কারণ আমাদের মতো ছোটো কৃষকদের গ্রাম থেকে এনে এত বড় প্রোগ্রামে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল ওনারা সকলের উপস্থিতিতে আমাদের যে একটা সম্মান দিয়েছেন ওনাদের সাথে বসে একসাথে মনকে বাদ দেখার জন্য আমি অসংখ্য ধন্যবাদ দূরদর্শনকে ওনারা যে আমাদের এত বড় একটা সম্মান দিয়েছেন